अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मनसे ने मांगा आरोग्य मंत्री राजेश टोपे का इस्तीफा। महात्मा फुले जन आरोग्य योजना में लाभार्थियों की गलत जानकारी देने पर उठाया सवाल। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे के इस्तीफे की मांग की है। मनसे के नवीमुंबई जिला प्रमुख गजानन काले ने कोरोना महामारी के इलाज के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटर एवं दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर सवाल उठाया और कहा कि आरोग्य मंत्री राजेश टोपे झूठ बोल रहे हैं। गजानन काले की माने तो राज्य के कुल 1,60,000 कोरोना मरीजों में से सिर्फ 1% लोगों को ही आरोग्य योजना में इलाज मिल रहा है, जबकि 99% लोग योजना से वंचित हैं। इसके बावजूद आरोग्य मंत्री झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। गजानन काले ने आरोग्य योजना के लाभार्थियों के खुलासे के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। महाराष्ट्र से आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणतात, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून आम्ही महाराष्ट्रातल्या 1,20,000 कोरोनाबाधित रुग्णांचे मोफत उपचार केले। मुळातच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या हेल्पलाईनवर फोन केला तर तुमच्या लक्षात येतं की ही योजना फक्त 1% व्हेंटिलेटरवर असलेल्या कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी। मुळात व्हेंटिलेटरचे पेशंटच जर 1% असतील आणि असलेले पेशंटच संपूर्ण 1,60,000 वर आहेत तर त्यातले 1,20,000 पेशंट हे व्हेंटिलेटरवर असं म्हणायचंय राजेश टोपेंना? का आपण महाराष्ट्राला बनवताय? का आपण ही फसवणूक करताय? असलेले होम क्वारंटाईन असलेल्या पेशंटचं काय? खासगी हॉस्पिटलमध्ये लोक बिलं भरतायत त्या पेशंटचं काय? मुळातच 1,000 हॉस्पिटल आहेत नुसते, प्रत्येक शहर आणि जिल्ह्यामध्ये 2-2, 3-3 हॉस्पिटल्स आहेत की जिथे ही महात्मा फुले जन आरोग्य योजना लागू पडते। आणि सरकारने हीच मेख मारलेली आहे की जो 1% पेशंट जो व्हेंटिलेटरवर असणार आहे त्याच्यासाठीच ही योजना आहे। बाकी 99% लोक जी जनरल वॉर्ड आयसीयू मध्ये आहेत त्यांच्यासाठी ही योजना नाहीये। आमची मागणी आहे की हे विधान राजेश टोपेंनी मागे घ्यावं, नाहीतर 1,20,000 याचे पुरावे द्यावेत। अन्यथा आपण खोटं बोलताय, आपण उल्लू बनवताय लोकांना। यासाठी आपण आपला राजीनामा या महाराष्ट्र सरकारचा आपण लोकांना सादर करावा। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।